आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिटरेचर, रिटन बाय थेरी इगल्टन। थेरी इगल्टन एक इंग्लिश फिलोसोफर और लिटरेरी थियरिस्ट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसे है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सोसाइटल वैल्यूज। तो अभी इस ऐसे में ये जो थेरी इगल्टन है ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सप्लोर करे कि कितना कॉम्प्लेक्स है या ये कितना एम्बिग्यू है कि हाउ टू डिफाइन द लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर को डिफाइन करने की कोशिश काफ़ी सालों से काफ़ी अरसे से की जा रही है, लेकिन उसकी एक ऐसी डेफिनेशन जो कि उसके हर एस्पेक्ट को एनकम्पास कर सके, लिटरेचर के हर एस्पेक्ट को कवर कर सके, ऐसी डेफिनेशन अब तक इतनी सेटिस्फाइंग डेफिनेशन कुछ अब तक मिली नहीं है। तो इसी चीज़ पर फोकस करते हुए इस ऐसे को लिखा गया है। अब जब भी टेरी इगल्टन के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी को ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ लिटरेचर, तो आंसर करने वाला सबसे पहले फैक्ट्स और इमेजिनेशन, इसके बेसिस पर लिटरेचर को डिफाइन करता है कि इमेजिनेटिव राइटिंग जो है वो लिटरेचर है। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले ऐसा होता था कि इमेजिनेटिव राइटिंग वॉज कंसिडर्ड एज लिटरेचर, लेकिन टेरी इगल्टन के अकॉर्डिंग सिर्फ इमेजिनेटिव, हर इमेजिनेटिव राइटिंग को आप लिटरेचर नहीं बोल सकते हो, और सिर्फ इमेजिन राइटिंग को भी आप लिटरेचर नहीं बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर वो बोलते हैं कि सुपरमैन कॉमिक्स, इनको हम लिटरेचर में इंक्लूड नहीं करते, इट इज़ नॉट कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ अ लिटरेचर। दो इट इज़ अ फिक्शनल राइटिंग, दो इट्स एन इमेजिनेटिव राइटिंग, स्टिल इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अ लिटरेचर, सुपरमैन कॉमिक्स। और दूसरी बात यह है कि जब हम कोई हिस्टोरिकल बुक पढ़ते हैं या फिलोसॉफिकल बुक पढ़ते हैं तो इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, इट्स अ फैक्चुअल राइटिंग, बट स्टिल इट इज़ द पार्ट ऑफ द लिटरेचर। तो लिटरेचर को इमेजिनेटिव राइटिंग बोलकर डिफाइन करना मतलब उसमें कई सारे फ्लॉज है इस डेफिनेशन में, इट कांट बी द कंप्लीट डेफिनेशन। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टेरी इगल्टन ये रखते हैं कि लिटरेचर को कई लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि डेविएशन फ्रॉम एवरीडे लैंग्वेज और एज डिस्क्राइब बाय रोमन जैकबसन एज एन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कमिटेड ऑन ऑर्डिनरी स्पीच। अब ये फॉर्मलिस्टिक व्यू है लिटरेचर का। जैसे कि फॉर्मलिस्ट जो क्रिटिक्स थे वो क्या सोचते थे कि लिटरेचर का मतलब ये है कि आपकी जो लैंग्वेज है, मतलब व्हेन यू रीड अ बुक द लैंग्वेज यूज्ड इन द बुक इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एवरीडे लैंग्वेज व्हाट वी स्पीक। जो हम हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज व्हाट वी रीड इन द बुक्स। तो लिटरेचर का मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेज में लिखना, ऐसी लैंग्वेज में कुछ भी जो लिखा गया है जो एवरीडे लैंग्वेज से अलग है उसे हम लिटरेचर बोल सकते हैं। ये फॉर्मलिस्टिक व्यू ऑफ लिटरेचर है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि फॉर्मलिज्म में पूरा फोकस जो है वो फॉर्म पे होता है एंड द कंटेंट इज सेकेंडरी। तो यहाँ पर उन्होंने रोमन जैकबसन जो कि एक फेमस फॉर्मलिस्ट क्रिटिक थे उनका एग्जाम्पल देते हुए ये कहा है कि वो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कमिटेड ऑन ऑर्डिनरी स्पीच, मतलब ऑर्डिनरी स्पीच पर जैसे वायलेंस किया गया हो वो भी ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, डिसिप्लिन वे में, सिस्टमैटिक पैटर्न में जब लैंग्वेज पर अटैक किया जाता है तो लिटरेचर का जन्म होता है। तो ये फॉर्मलिस्टिक जो है क्रिटिक का व्यू है। और एक एग्जांपल वो देते हैं कि रशियन फॉर्मलिस्ट विक्टर श्लोवस्की का, अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो ये आर्ग्यू करते थे कि लिटरेचर मेक्स द फैमिलियर स्ट्रेंज, फोर्सिंग रीडर्स टू सी थिंग्स अन्यू। लिटरेचर क्या करता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जो कि फैमिलियर रहते हुए भी हमें स्ट्रेंज लगने लगते हैं और रीडर्स को फोर्स करते हैं कि जो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे बारिश हो रही है, वी नो इट ऑलरेडी कि नेचर में क्या हो रहा है, ये क्या क्या चेंजेस होते हैं, बट वेन वी रीड इट थ्रू लिटरेचर तो हमें एक नया लुक मिलता है उसी रेनिंग की तरफ देखने का। तो ये अगेन फॉर्मलिस्टिक व्यू हुआ, बिकॉज अगेन द स्ट्रेस इज गिवन ऑन द स्ट्रक्चर और द फॉर्म ऑफ द लिटरेचर और फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर वर्क। लेकिन ये अगेन एक लिमिटेड एस्पेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें कंटेंट के तो देखा ही नहीं गया है या रीडर किस हिसाब से पढ़ रहा है वो भी लिया नहीं गया है कंसिडरेशन में। तो टेरी इगल्टन के अकॉर्डिंग ये भी एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हो सकता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब जब कोई लिटरेचर के डेफिनेशन बनाता है या बोलता है अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आते हैं।
व्हाट इज लिटरेचर इन वन कल्चर और टाइम पीरियड मे नॉट बी इन अनदर। जैसे कि पहले मे भी ये हो सकता होगा कि सिर्फ इमेजिनेटिव राइटिंग जो है वो लिटरेचर कंसिडर किया जाता था, लेकिन बाद में हिस्टोरिकल राइटिंग उसमें ऐड होने लग गया, फिर साइकोलॉजिकल जैसे इन्वेंशन या डिस्कवरीज होने लगी तो उसके अकॉर्डिंग कुछ पेपर्स प्रेजेंट किए जाने लगे, तो वो सब लिटरेचर का पार्ट होने लग गया। या नॉवेल्स जिसमें साइकोलॉजी को यूज किए जाने लगा, या ऐसे नॉवेल्स जिसमें कुछ फैक्ट्स को या जो रियल इंसिडेंट्स हुए उनको यूज किया जाने लगा, या बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफीज है, इनको भी लिटरेचर में यूज किए जाने लगा। तो जैसे जैसे लिटरेचर डेवलप होता गया, उसके अलग अलग फॉर्म्स डेवलप होते गए, सब्जेक्ट मैटर्स चेंज होते गए और लिटरेचर और वाइड एक वाइड कॉन्सेप्ट होते गया। तो इसमें कल्चरल और हिस्टोरिकल पार्ट भी आता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर हम रामायण और महाभारत को भी लिटरेचर का पार्ट मानते हैं। हो सकता है कि अफ्रीका में या अमेरिका में कोई और तरीके के लिटरेचर के फॉर्म्स होंगे जिन्हें लिटरेचर कंसिडर किया जाता होगा, जो मे बी हमारे यहाँ पर इतने फेमस या पॉपुलर नहीं है। सो कल्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज पावर स्ट्रक्चर्स। अब जैसे कि जो भी इंसान या जो भी डायनेस्टी पावर में होगी, मतलब जो भी राजा रानी उनका वंश जो पावर में होगा, उनके उनको जो पसंद है या उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये जिस पर्टिकुलर फॉर्म को, जिस तरीके के लिटरेचर को या जिस तरीके के सब्जेक्ट मैटर को वो लिटरेचर बोलकर पॉपुलर करवाना चाहते थे, मतलब दोज हु आर इन द पावर, उनको जो पसंद आता है उसको कितना बूस्ट करने का, उसको कितना पॉपुलरिटी देने का, ये सब जो पावर में उन लोगों के हाथ में होता था। तो इसलिए पावर स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, हु इज इन द पावर, ओके, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज देयर इन द पावर, तो अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट द लिटरेचर इज गोइंग टू डेवलप। मगर अगर कोई राजा है जिसको अगर नॉवल फॉर्म ज्यादा पसंद आता है लिटरेचर का, तो डेफिनेटली ही विल एनकरेज नॉवलिस्ट मोर। अगर किसी को प्ले एंजॉय, अगर कोई राजा प्ले ज्यादा एंजॉय करता है तो डेफिनेटली ही विल बूस्ट द प्लेज ओनली। अगर कोई पोएट्री में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ही विल बूस्ट दैट पोएट्री फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो इसलिए से टेरी गल्टन कहते हैं कि जो पावर में है उस इंसान का टेस्ट क्या है, या जो ग्रुप पावर में है उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी किस चीज को लिटरेचर बोला जाना चाहिए, किस एक्सटेंट तक बोला जाना चाहिए, ये उन पर भी डिपेंड करता है। और लास्ट में ये है कि डीकंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी होता है। देर आर सम क्रिटिक्स, दोज हु बिलीव इन द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द लिटरेचर और डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क, दे स्टडी अ पर्टिकुलर वर्क ऑफ लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ अ डीकंस्ट्रक्टिव मैनर। वो डीकंस्ट्रक्ट करते हैं लैंग्वेज को, कुछ होते हैं जो हिस्टोरिकल कंटेक्स को ध्यान में रखते हैं, कुछ जो है वो लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई है या पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में वो लैंग्वेज कैसे यूज की गई है, उस पर्टिकुलर वर्ड का उस टेक्स्ट में क्या मीनिंग है या उस लैंग्वेज में क्या मीनिंग है, तो उस तरीके से मतलब लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर जो मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं लिटरेचर में से, मतलब डीकंस्ट्रक्टिव वे में, तो दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट एंगल। मतलब ये भी जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली लिटरेचर की डेफिनेशन जो है वो नहीं दे सकता है। तो अल्टीमेटली टेरी गल्टन ये कहते हैं कि आइडियोलॉजी, मतलब एक कोई भी इंसान क्या आइडियोलॉजी फॉलो करता है, उसके अपने क्या वैल्यूज है, क्या फिलोसॉफी है लाइफ जीने की, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो लिटरेचर को किस नजरिए से देखता है। हो सकता है कि कोई वर्क पढ़ने के बाद में आपको ये लगा है, आपको ये लगे कि दिस कांट बी द पार्ट ऑफ अ लिटरेचर, या हम इसे साहित्य के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बोलकर उसे लिटरेचर बोलना इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, बिकॉज इट इज इवॉल्विंग डे बाय डे। तो इस तरीके से टेरी इगल्टन ने व्हाट इज लिटरेचर इस एसे में कोशिश की है टू कवर ऑल द डेफिनेशंस व्हिच आर गिवन टिल टुडे, और वो कैसे उसमें फ्लॉज है या कैसे वो इनकम्प्लीट है वो इस एसे के थ्रू दिखाया है। तो अगर आपको समरी अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।